सरदा पे मौजूद है लाहौर में और इस वक्त हम जा रहे हैं बादशाह मस्जिद के पास। फजिए के ताए गाने सुना है, बहुत मशहूर है, तो आप देखते हैं वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम सबजा से यहाँ से निकलेंगे ऑरेंज लाइन से, और ऑरेंज लाइन से फिर हम उतरेंगे राजगढ़ी स्टेशन पर, उसके बाद हम आपको पढ़ कर देखेंगे। ठीक, जी नाज़रीन, हम पंजे के पाए पहुंच चुके हैं। सामने आपको शॉप दिख रही है और हम इस वक्त जा रहे हैं शॉप पर, हमारे साथ रहिएगा। भाई हम यहाँ फारिग हो गए कुल्चों से और पाए से, जैसे आप देख रहे हैं लस्सी का गिलास है। वो लस्सी पूरे जहान में याद रहेगी और जिससे इसकी रक्षा बढ़ेगी। मैं आपको बता नहीं सकता इसमें क्या हाल है, इसमें सब कुछ है। खाना नहीं खाओ, ये पी लो, बस काम हो गया पूरे दिन। आला, बहुत आला। अब हमारी अगली मंजिल है नाश्ता करने के बाद ज़ू। हम जाएंगे यहाँ का लाहौर का ज़बरदस्त किस्म का ज़ू, जहाँ हम आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ किस्म के जानवर, जो क्योंकि हमारे साथ टूरिस्ट में बच्चे भी हैं। लाहौर का ज़बरदस्त किस्म का ज़ू है, लाहौर का मशहूर ज़ू, और जो यहाँ पर माल रोड के करीब है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। सुबह में ये होता है कि सुकून बहुत होता है। मैं आपको सारे डायरेक्शन में यहाँ दिखाऊँगा, खूबसूरतियाँ दिखाऊँगा। बहुत हरियाली है, बहुत जानवर है, बहुत हर चीज़ है माशाल्लाह। देखिए ज़ेबरा भी है, ऑस्ट्रिच भी है, ज़राफ़ा भी है, और सारी चीज़ें, मतलब ये कि शेर भी है ना भैया, शेर भी है, बहुत चीज़ें। तो इंशाल्लाह हम आपको वक्तन अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर ज़ू से ऐसे बेचा पर जो अफ्रीकी बबर शेर है वो 7 से 10 किलो रोमियोमिया जो है गोश्त खाते हैं बीफ का, और 1 लीटर दूध पीते हैं वो लोग। तो इनकी खुराक है बहुत ज़्यादा किस्म की शेर है। यहाँ पर ये अफ्रीकी बबर शेर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत किस्म के ये मोर देख रहे हैं आप, क्या बात है, क्या कुदरत का नज़ारा है, और बहुत हसीन। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के और परिंदे देख रहे हैं आप, यानी कि ये ज़ू कमाल है, कमाल ज़ू, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं यहाँ, टाइगर्स हैं यहाँ, लॉयन है, एलिफेंट है, और उसके बाद वो देखें आपके सामने मेरे बैग पर आप देख सकते हैं, मतलब कमाल की चीज़ है। यहाँ देख सकते हैं वाइट कैमल आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वाइट कैमल, जो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं इसको कैमल को देख के।
ये हम इसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये पिग है, जंगली पिग जिसको हम कहते हैं। ये आप देख रहे हैं इसको, और आप देख रहे हैं यहाँ पर खातर का खुराक मिलती है शेरों को। और ये देखें किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सुथरा गोश्त इनको फराम किया जा रहा है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है ज़ू का, डिसिप्लिन बहुत अच्छा, हर चीज़ किस्म की सफाई सुथराई बहुत अच्छा, तो हम अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया। और योमिया इसकी जो खुराक होती है वो 10 से 12 किलो होती है गोश्त की, और ये तकरीबन 20 से 25 किस्म के टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, और जिनको सबको ये गोश्त दिया जाता है। कि यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको मुख्तलिफ़ किस्म के, ये पूरा इन्होंने स्नैक का एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, बहुत ही आला किस्म के हर नस्ल का यहाँ पानी वाला सांप आपको मिलेगा। ये है क्रोंडिया पेटल कोबरा, रसल वाइपर इसको हम कहते हैं, रसल वाइपर देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल चिपका हुआ है अपनी जगह से, हिल नहीं रहा है, लेकिन इसकी मूवमेंट थोड़ी बहुत है, आपको चेक करा देंगे। इसकी आंखें देखें जरा आप, बहुत सारे सांप हैं। ये संचूर जिसको हम कहते हैं कॉमन क्रिट, ये देखें जरा, ये देखें इसकी इसकी लेंथ देखें, इसकी मोटाई देखें, और इसकी मूवमेंट देखें, क्या कुदरत है भाई, क्या कुदरत है, कमाल है। ये चूहे खाने वाला सांप है, छोटा सा प्यारा सा। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़ू देखा होगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ सफाई वगैरह हर चीज़ डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त, फैमिली बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है, और बहुत मज़ा आया हर चीज़ देख के। स्पेशली जो ये सांप घर है, सांप घर के अलावा जो शेर है, शेर की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, टाइगर्स की, ये बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग हर चीज़। और इस दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी जगहें बहुत कम है, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफाई सुथराई का इतना इहतमाम किया हुआ है, और ज़बरदस्त किस्म का। कल हम मीनार पाकिस्तान का वहाँ जो कंडीशन में देखी, तो राजीन पड़ा, आज आके तबीयत खुशी हुई है कि यार कराची वालों, ये देखो लाहौर आके, कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है, सफाई सुथराई हर चीज़, एवरीथिंग इज़ ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आएँगे, आपके बच्चों को इससे महरूम मत रखिएगा, मैं कह रहा हूँ एज अपनी टूरिज़म, आपको मैसेज दे रहा है, बच्चों को लेके आए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।